नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूँ सुनील राउत और इस वक्त मौजूद हम जयपुर में। जयपुर रंग बिरंगा शहर, गुलाबी शहर। यहाँ आप आएंगे तो आपको तरह तरह के महल देखने को मिलेंगे, किले देखने को मिलेंगे और तरह तरह की नक्काशियाँ और कलाकारी भी देखने को मिलेंगी। हमारे साथ है भाई साहब शहाबुद्दीन, अपना नाम बता रहे हैं। और ये जो सैंडल आप देख रहे हैं बहुत खास सैंडल है। मार्केट से तो आपने बहुत सैंडल खरीदी होगी, लेदर की सैंडल खरीदी होगी, चमड़े की, लेकिन ये जो सैंडल है बहुत खास है। वो खास इसलिए क्योंकि आज तक आपने ऊंट पे सवारी की होगी। ये उस ऊंट के चमड़े से बनी हुई सैंडल है। ये कैसे बनती है, कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने में, शहाबुद्दीन जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी शहाबुद्दीन जी, बताइए ये कैसे, कितना, क्या प्रोसेस होता है इसको बनाने का, कितना टाइम लगता है एक पीस बनाने में? चार दिन में बनती है भाई साहब, चार दिन में एक पीस। चार दिन में है और ये सारा हैंडमेड है? सारा हैंडमेड है। मशीन का? नहीं, मशीन का भी काम है। ऊंट का जो चमड़ा होता है ये कहाँ से मिलता है आपको? ये नागपुर से लाना पड़ता है। नागपुर से नहीं, तो ऊंट तो राजस्थान में होते हैं, चमड़ा नागपुर में वहाँ से प्यूरिफाई होती है और फिर यहाँ से लाते हैं। तो ये बनाते हैं आप खाल से? ढाई दिन लगता है एक पीस बनाने में। और ये बेचते कितने में? 250 रुपए का, 250 का, 500 रुपए भी बेच देते हैं, 400 रुपए भी बेच देते हैं। तो ये ढाई दिन में एक पीस बनाते हैं आप और सिर्फ 250 रुपए में बेचते हैं? बहुत सारे कारीगर करते हैं काम। अच्छा, बहुत सारे कारीगर करते हैं, लेकिन फिर भी ढाई दिन में एक पीस अगर बन रहा है तो ये तो बहुत सिलाई करनी पड़ती है सारे चमड़े का। तो ये जो सिलाई आपने की इस पर, ये दिखा, मैं कहूंगा कि कैमरा मैन से दिखा, ये जो धागा दिख रहा है ये धागा भी, धागा भी ऊंट का चमड़ा ही है, इसमें दूसरा कोई प्रोडक्ट? ये देखिए, मैं कैमरा मैन से कहूंगा कि ये जो धागा है, बारीक बारीक धागा दिखा, ये भी ऊंट का चमड़ा ही है जो इनके मुताबिक। और ये सारी की सारी ये ऊंट के चमड़े से बनी हुई है। और ये है कि ढाई दिन में एक ये सैंडल बनके तैयार होती है और महज ये 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए में ये एक सैंडल बेचते हैं।